हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसी भी फैब्रिक पे हम फ्यूज़ पेपर या पेस्टिंग पेपर किस तरह से इजली स्टिक कर सकते हैं। ये जैसे कि देखिए, मैंने ऑलरेडी स्टिक करके रखा है। आपको मैं स्टिक करके बताती हूँ इस फैब्रिक पे। सबसे पहले मैं आपको फ्यूज़ पेपर दिखाना चाहूँगी। फ्यूज पेपर में दोनों साइड में अलग अलग से दिखते हैं। ये दोनों साइड से, इस साइड से जैसे ये थोड़ा रफ जैसा दिख रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा बहुत शाइनी कर रहा है। तो ये जो शाइनी वाला पार्ट है, इसे हमें फैब्रिक के ऊपर रखना होता है, यानी रफ साइड जो है वो हमारे अपनी तरफ होना चाहिए, और ये जो शाइनी वाला साइड है इसमें ऐसे कुछ होते हैं सब्सटेंसेस जिससे ये फैब्रिक पे स्टिक हो जाता है। तो ये शाइनी वाला जो पोर्शन है, इसे हमें फैब्रिक की साइड में करके रखना होता है इस तरह से। ये रफ साइड है, ये शाइनी साइड है, शाइनी साइड को हमने फैब्रिक की तरफ कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये स्टिक कैसे होगा। इसमें ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक के ऊपर हम फ्यूज पेपर को इस तरह से रख लेंगे। शाइनी वाला साइड हमने फैब्रिक की तरफ किया है और रफ साइड हमने ऊपर की तरफ रखा है जो हमें दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे। बहुत ज्यादा हाई पॉइंट पे भी आयरन नहीं करेंगे हम। मैंने इसे वूल पे रखा है। आयरन का टेम्परेचर मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने वूल और कॉटन के बीच में रखा है। अब हम इसे फैब्रिक आयरन करेंगे। फ्यूज पेपर के ऊपर आयरन करके हम अगर स्टिक करेंगे तो ये बहुत अच्छे से और जल्दी स्टिक हो जाएगा। अगर हम इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे, फैब्रिक को ऊपर रख के फ्यूज पेपर को नीचे रखेंगे, तो वो स्टिक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हर फैब्रिक की थिकनेस अलग-अलग होती है। बट फ्यूज पेपर सेम एक जैसे ही होते हैं, पतले होते हैं काफी, और बहुत ही अच्छे से ये फैब्रिक पर स्टिक हो जाएंगे। इस तरह से हम बहुत अच्छे से इसे आयरन कर लेंगे, और इधर साइड से हमें एक बार चेक करना होगा कि ये स्टिक हो रहा है या नहीं। हमने इसे लो इसलिए रखा है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कहीं पेपर आयरन में स्टिक ना हो जाए, इसलिए मैंने इसका टेम्परेचर काफ़ी स्लो कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैंने कॉटन पे ये हाई होने लगता है टेम्परेचर, मैंने इसे वूल के पास ही सेट किया है। इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए बहुत ही इजीली ये स्टिक हो जाएगा। जस्ट 1 से 2 मिनट बिल्कुल लाइट टेम्परेचर पे ये फटाफट स्टिक हो जाएगा। अब ये हमारा स्टिक हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए साइड में, इस साइड देखिए, इधर कॉर्नर्स पे हमारा प्रेस ठीक से नहीं चला, तो इसलिए कॉर्नर्स में 1/2 इंच पे ये थोड़ा अलग है। बट इस साइड देखिए, ये बहुत ही अच्छे से ये फैब्रिक में स्टिक हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फैब्रिक में स्टिक हो गया है, बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा। और हमारा इस साइड से फैब्रिक भी बहुत फाइनली स्टिक हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी प्रोसेस से अगर आप फ्यूज पेपर को या पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक पे स्टिक करेंगे तो बहुत ही इजीली और फिनिशिंग के साथ ये स्टिक हो जाएगा।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।